हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई आर मैन मोर प्रोन टूवर्ड्स हार्ट अटैक। आपने सुना होगा कि आदमी लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, तो क्या कारण है कि औरत से ज़्यादा आदमियों को हार्ट अटैक होता है? ऐसे क्या कारण है कि आपने सुना है और देखा भी है कि जिम में काम कर रहे हैं और सडनली हार्ट अटैक आ गया, या हंसी खुशी का माहौल है और सडनली कुछ वो गंभीर रूप ले लेता है और फिर वो दुखद स्थिति में बदल जाता है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए ऑल पर, सो दैट वेन एवर देयर इज अ हेल्थ रिलेटेड वीडियो यू कैन गेट ऑल द बेनिफिट दैट यू रियली रिक्वायर टू गेट फिट योरसेल्फ। जितना भी आप फिट होना चाहते हैं, जेन्युइन जो सोर्स है वो आपको मिल सकेगा आपके हेल्थ से रिलेटेड। तो आपने सुना है कि मेल और फीमेल दोनों में हार्ट अटैक्स तो होते हैं, बट आपने कभी ये सोचा है कि मेल्स में ही ज़्यादा क्यों होते हैं एज फीमेल के कंपैरिजन पे? तो इसको आज हम डिकोड करने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, आपको आपकी हेल्थ को पहले रखना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर एन अडल्ट एंड योर यंगर वन इज देयर इन योर फैमिली, इन दैट केस आप जो बोलेंगे वो फॉलो नहीं करेंगे, बट वॉट यू डू दे आर गोइंग टू फॉलो द सेम थिंग। यू हैव सीन एंड यू हैव हर्ड दैट पीपल आर गेटिंग हार्ट अटैक शादी के फंक्शन में, और ये ठंड में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या रीजंस हैं, आज हम ये बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों मेल में ज़्यादा होते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रिसर्च हैज सेड दैट मैन आर ट्वाइस, यू नो, मैन आर ट्वाइस प्रोन टूवर्ड्स हार्ट अटैक देन फीमेल, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं मेल में वो है मेन कारण जिसके कारण उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, जब तक उनको मेनोपॉज नहीं होता तब तक फीमेल्स आर सेफ। तो ये गुड न्यूज़ फॉर फीमेल्स, बट येस फॉर मेल्स इट इज़ नॉट, बिकॉज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोथ आर इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी इन देयर बॉडी, जिसके कारण उनमें जो हार्ट जो है अटैक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका हाई बीपी होता है और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि मेन जो हैं वो थोड़े से अपने हेल्थ को नहीं देखते, बिकॉज दे थिंक दैट उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सो हेल्थ इज़ द लीस्ट, यू नो, सबसे आखिरी में रखते हैं उसको। रिमेंबर यू आर अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फैमिली एंड यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, योर किड्स, योर फैमिली एंड ऑब्वियसली योर पेरेंट्स ऑल्सो। टेस्टोस्टेरोन इज ओनली द सोर्स जहाँ पे मेन को रिले करना पड़ता है, एंड यू हैव हर्ड दैट 12% ऑफ मेल हैव हार्ट अटैक वेन दे आर एट एज ऑफ देयर 20 to 30s। तो ये टेस्टोस्टेरोन अगर लेवल जो है वो लो साइड में होता है, यूजुअली ये 40 एज के बाद होता है, बट इन फ्यू मेल्स किसी कारण से अगर टेस्टोस्टेरोन लो है और उनके लाइफ स्टाइल बैड हैं, हैबिट्स ख़राब हैं, उन्होंने ध्यान नहीं रखा है, तो उस केस में 20s में भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, वो स्टार्ट करता है प्लग करना आर्टरीज पे जो मेन आर्टरीज होते हैं हार्ट के, एंड देन येस एट एज ऑफ 20 ऑल्सो वी आर सीइंग द केस हैज इंक्रीज फॉर द हार्ट अटैक्स इन यंग मेल ऑल्सो। फीमेल्स में आगे मैंने बताया आपको ये कम देखने को मिलेगा, बिकॉज फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड अंटिल दे आर एट देयर मेनोपॉज, और आफ्टर मेनोपॉज फिर उनमें भी ये केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन आफ्टर 40 जो होता है वो कम होने लगता है, देयरफॉर मेल आप देखेंगे 40 के बाद आर मोर प्रोन, बिकॉज इट विल लीड टू हायर लेवल ऑफ ब्लड BP एंड ब्लड प्रेशर एंड देन कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो इंक्रीज। और ये कहा जाता है कि मेल हैज़ यू नो बिगर आर्टरीज एंड बिगर हार्ट दैन द फीमेल्स, तो जो प्लग का एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। Obviously, lifestyle is the biggest problem for the maximum person in the world. एक मिथ है कि एक्सरसाइज कर रहे थे इसलिए हार्ट अटैक आ गया, जिम में थे इसलिए आ गया, नो,
इसलिए नहीं आया है, दे हैड फ्यू प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ किसी चीज़ के कारण, या बैड लाइफ स्टाइल था, या किसी दवा में थे, वो मेडिकेशंस पे थे, या उनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम थी हार्ट से रिलेटेड एंड दे वो वर्किंग आउट, जिसके कारण हार्ट सपोर्ट नहीं किया एंड इट लीड टू हार्ट अटैक एंड देन डेथ. ये है. तो एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक होता है, ये बहुत ज़्यादा ही गलत मेथ है. तो प्लीज़ आप ये सुनकर एक्सरसाइज करना बंद मत कीजिएगा. उसके साथ अगर आप बॉडी बना रहे हैं, यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स विदाउट एनी कंसल्टेशंस एंड इन हाई डोजेस, वो रीज़न हो सकते हैं कि जिम में रनिंग करते एक्सरसाइज करते ऐसा हुआ. तो अब हम बात करते हैं कि कॉजेस के बारे में. ऑफकोर्स अल्कोहल, स्मोकिंग, प्रोसेस फूड ज़्यादा खाना, नो एक्सरसाइज, नो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आजकल ज़ीरो हो गई बिकॉज मैक्सिमम टाइम वी आर सिटिंग ऑन अवर प्लेसेज एंड देन वी आर ऑन लैपटॉप मोबाइल. तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रही है, जिसके कारण वी ईट अलॉट बट येस वी एक्यूमुलेट फैट इन अवर बॉडी लॉट, एंड जिसके कारण आपकी जो बॉडी है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ाती है. कई बार यू हैव फ्यू डिजीज कंडीशन जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, आपका बी पी हाई हो जाता है. विंटर्स में ये ज़्यादा होता है, ये बहुत कॉमन है. इसलिए अब विंटर्स आ गए हैं तो आपको आपके हार्ट का ख्याल रखना होगा. बहुत बेसिक टिप्स होंगे जो मैं आखिर में बताऊंगी हाउ कैन यू प्रिवेंट, बट प्रिवेंट करने से पहले हमें जानना होगा कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं. तो इफ़ यू आर ओवरवेट, ओवरवेट चाहे बच्चे हो या मिडिल एज हो, ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. जैसे कि मैं एम्फोसाइज करती हूँ ऑलवेज ऑन ओवरवेट, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट येस ओवरवेट इज अगेन अ मेडिकल कंडीशन जिसके कारण आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी आते हैं. तो अगर आप ओवरवेट हैं, अल्कोहल कंजप्शन है, स्मोकिंग है, एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक मेडिकेशन पे, कुछ डिजीजेज भी हैं, स्ट्रेस अगेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये आपके बैड लाइफ स्टाइल के तरफ लेके जाते एंड दिस विल गिव यू अ बैड हार्ट ऑल्सो. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा हार्ट ठीक है या नहीं है? सो फॉर दिस, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और यू हैड अ बैड लाइफ स्टाइल, यू आर इन टू स्मोकिंग, अल्कोहल, नो एक्सरसाइज, देन इन दैट केस येस वंस इफ यू आर 20-25 यू शुड गो, और यू हैव अ यू नो फैमिली हिस्ट्री, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एंड आस्क स्पेसिफिक टेस्ट कि ये कर दें सो दैट यू नो हाउ इज योर हार्ट हेल्थ. सो दे आर येस ए नंबर ऑफ ब्लड टेस्ट एंड फ्यू डायग्नोस्टिक थिंग विच यू कैन गो थ्रू जस्ट टू नो योर हार्ट इज गुड और नॉट. इसमें ECG हो सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल्स हो सकते हैं, इको हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं. यू जस्ट नीड टू गो एंड विजिट अ हेल्थ प्रोफेशनल जो आपको हेल्प करेगा आपको डायग्नोज करने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन, बिकॉज आई ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अगर आपने पहले ही स्टेप्स ले लिए हैं आपके हेल्दी हार्ट के लिए तो आपको लेटर ऑन परेशान नहीं होना पड़ेगा, स्ट्रेस में नहीं जाना पड़ेगा. इसलिए अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में. तो आप ध्यान रखिए, हमेशा से अच्छी लाइफस्टाइल रखिए. आपका खान पान है, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर ईटिंग. सो स्टॉप ईटिंग यू नो प्रोसेस फूड, शुगरी फूड और डीप फ्राइड फूड. तला भुना छना कम खाना होगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ. अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है. अगर आप 40+ है, मेल है, तो फिर आपको थोड़ा सा और प्रिकॉशंस लेना होगा. प्रिवेंशन में अगर हम बात करें तो हेल्दी फूड खाइए, थोड़ा सा हफ्ते में 3-4 दिन आपको वॉक तो करना ही है, साथ में ऐसे एक्सरसाइज करें जो आपकी हार्ट रेट को पर लेके जाता है और फिर धीरे 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 नॉर्मल लगे. दिस विल हेल्प आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है. एक्टिव रहेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, इससे आपका बीपी भी मेंटेन रहेगा और हार्ट भी हेल्दी रहेगा. ओवर यूज़ नहीं करना है, अंडर यूज़ भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं. सो गिव योर बॉडी अ गुड यू नो लाइफ स्टाइल. अल्कोहल स्मोकिंग ख़त्म करना होगा बिकॉज ये आपके दुश्मन हैं, ये दोस्त नहीं हैं. हम सोचते हैं कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं बट नो, ये आपके फ्रेंड्स नहीं है. एंड डिप्रेशन एंजाइटी अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स. एंड लास्टली ओवरवेट, अगर आप ओवरवेट हैं येस डेफिनेटली यू आर मोर प्रोन टुवर्ड्स द हार्ट अटैक, वेदर यू फीमेल, वेदर यू मेल और एट एनी एज. तो ये थोड़े से चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना चाहिए.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फूड. अगर आप खाने के बारे में बात करते हैं तो मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स यू शुड ऐड इन योर डाइट. सीरियल्स ज़्यादा लेने चाहिए, मतलब होल ग्रेन ज़्यादा होने चाहिए. ऐसा खाना जिसमें आपका ओमेगा फैटी एसिड ज़्यादा इंक्लूडेड हो, जो कि नट्स हो सकते हैं, ग्रीन्स हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं. लीन मीट लेना है जिसमें फैट की मात्रा कम होते हैं. मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. शुगर फूड आपको अवॉइड करना है. दीज ऑल फूड विल हेल्प यू टू मेंटेन योर और ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल और लेस लेवल ऑफ लिपिड प्रोफाइल्स, जो कि मेंटेन रहेगा. एंड यस देयर आर चांसेस दैट यू आर गिविंग अ गुड हेल्थ टू योर हार्ट. तो ये आपके फूड हो गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉपिक, होम्योपैथी कैसे आपको हेल्प कर सकती है. हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके पहले भी रहते हैं. अगर आप टाइम रहते हुए डायग्नोस करते हैं और होम्योपैथी स्टार्ट करते हैं, येस डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. लाइक अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं या इनके रेशियोज बढ़े हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ गुड होम्योपैथी मेडिसिन जो आपको हेल्प कर सकती है बहुत फास्ट. ये मिथ है कि बहुत स्लो वर्क करती है. जितनी देर बाकी पैथीज आपको रिजल्ट देंगी, इसमें होम्योपैथी भी उतने ही देर में काम करेगी. हो सकता है उससे पहले करे और आपको लाइफ टाइम नहीं खाना पड़ेगा, ये तो पक्का है. तो इन दैट केस आई विल नॉट टेल यू कि कौन से मेडिसिन लेना चाहिए. जैसे कि मैंने कहा कि ये दिल का मामला है तो इसको बहुत ख्याल से रखना होगा हमें. होम्योपैथी में आपके सारे साइन सिम्टम्स लेके ही किया जाता है. तो इसमें भी मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपके पास ऐसे कोई प्रॉब्लम है, यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट योर होम्योपैथी डॉक्टर जो भी आपके नियरेस्ट हैं. एंड येस वो आपको हेल्प करेंगे कि कौन से होम्योपैथी मेडिसिन बेटर एक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू यू, योर लाइफ स्टाइल और आपके क्या कॉजेज हैं जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको मालूम है कि आपके फैमिली में हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या आपको थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन है, आप प्री हाइपरटेंशन स्टेज पे हैं, तो आप होम्योपैथी की मदद ले सकते हैं. ये डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके बीपी को रेगुलेट करने में. अगर आप ऑलरेडी कोई दवाई खा रहे हैं और अब आपको लगता है कि मुझे मेरे हार्ट को हेल्दी रखना है, तो डेफिनेटली होम्योपैथी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट. तो होम्योपैथी दवा के तरफ जाए, इट विल एक्ट एज फास्ट एज द अदर पैथी ऑल्सो एंड डेफिनेटली देर इज नो साइड इफेक्ट. तो आप कितने भी दिन यूज कर सकते. सो ये आज के लिए था. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अवेयरनेस के लिए रहा होगा कि वाई मैन आर मोर प्रॉन फॉर हार्ट अटैक देन फीमेल्स. तो फीमेल्स कहीं आप बच गए हैं, थैंक गॉड. एंड मेल्स यू नीड टू बी रियली थिंक बार बार आपको, इफ यू आर गोइंग फॉर एनीथिंग, कि आपका हार्ट अच्छा है या नहीं है. अगर आपको एनालाइज करना है, डेफिनेटली यू शुड गो टू अ हेल्थ प्रैक्टिशनर जो हेल्प करेगा आपको. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ वहाँ के सोर्सेस पे नहीं जाए. आप जेन्युइन सोर्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने आपको और अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं. ठंड आ गई है तो यू शुड बी रियली वेरी केयरफुल और आपको बाहर कवर करके जाना चाहिए अपने आप को. टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए. जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ा सा ठंड पे ध्यान रखें. एकदम सुबह और एकदम रात में ठंड में बाहर ना निकलें. जब धूप रहे तभी आप बाहर निकल के अपना सारा काम करें, तो आप ज़्यादा सेफ है, आपका हार्ट ज़्यादा सेफ है. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब इट. अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू. और उस पर कोशिश करूँगी कि फिर मैं कोई नया वीडियो बना सकूँ. टेक केयर, टिल देन बाय बाय.